गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 11 तेनाली एंड द ड्रीम। क्वेश्चन वन इज व्हाट मेड द किंग बिलीव दैट हिज ड्रीम वाज ए रियलिटी। क्या बात थी जिससे राजा को विश्वास हो गया था कि उसका सपना सच है। द आंसर इज व्हेन द कोर्टियर्स प्रेस्ड एंड फ्लैटर्ड द किंग्स ड्रीम। जब दरबारियों ने राजा के सपने की प्रशंसा की और चापलूसी की, इस बात से राजा को विश्वास हो गया था कि उसका सपना सच है। अगेन देखते हैं, व्हेन द कोर्टियर्स प्रेज्ड एंड फ्लैटर्ड द किंग्स ड्रीम। जब दरबारियों ने राजा के सपने की प्रशंसा और चापलूसी की थी। क्वेश्चन टू इज व्हाई वर द कोर्टियर्स इन ट्रबल। दरबारी परेशान क्यों थे, क्यों हो गए थे दरबारी परेशान। बिकॉज आंसर इज बिकॉज द किंग आस्क देम टू फाइंड द गोल्डर हु वुड गोल्ड द कैस्टल इन द एयर। अगेन बिकॉज द किंग आस्क देम टू फाइंड ए बोल्डर हु वुड बोल्ड द कैस्टल इन द एयर। क्योंकि राजा ने दरबारियों से कहा कि ढूंढ के लाओ उस बोल्डर को जो कि कैस्टल का मीन्स किला, जो कि किला बना सके हवा में, किला बनाएगा हवा में। अगेन देखते हैं आंसर, बिकॉज किंग आस्क डैम टू फाइंड ए बोल्डर हु बोल्ड द कैस्टल इन द एयर। क्योंकि राजा ने उनसे कहा उस बोल्डर को ढूंढ के लाओ जो कि हवा में किला बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड तेनाली रिएक्ट ऑन हियरिंग द स्टोरी फ्रॉम द कोर्टियर्स। तेनाली ने क्या रिएक्ट किया था जब दरबारियों की स्टोरी सुनी थी, तो कैसे रिएक्ट किया था। सभी दरबारी परेशान थे तो वो सभी तेनाली के पास गए थे, तो कैसे उसने रिएक्ट किया था। द आंसर इज तेनाली वॉज एंग्री डैट द कोर्टियर डिड नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग। द आंसर इज तेनाली वॉज एंग्री डैट द कोर्टियर्स डिड नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग। तेनाली उन पर गुस्सा हुआ था क्योंकि दरबारी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, यानी बोलने से पहले वो सोचते नहीं हैं। सभी लोग गए थे तेनाली के पास, जितने भी दरबारी थे, लेकिन दरबारी बिना सोचे समझे राजा की प्रशंसा करने लगते थे या उनकी चापलूसी करने लगते थे। तब तेनाली उन पर नाराज हुआ था और कहा था कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर इज एक्सप्लेन हाउ तेनाली कन्विंस द किंग डैट द ड्रीम कुड नॉट बी अ रियलिटी। अगेन एक्सप्लेन हाउ तेनाली कन्विंस द किंग डैट द ड्रीम कुड नॉट बी अ रियलिटी। एक्सप्लेन करो, बताओ कि तेनाली ने राजा ने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो सकता, वो रियल में पूरा नहीं हो सकता। कैसे तेनाली ने राजा को कन्विंस किया था। द आंसर इज व्हेन तेनाली सेंट एन ओल्ड मैन एंड टोल्ड द किंग। जब तेनाली ने एक बूढ़े आदमी को भेजा और कहा द किंग डैट टोल्ड द किंग डैट यू एंड योर कोर्टियर लूटेड माई हाउस इन हिज ड्रीम। तेनाली ने बूढ़े आदमी को भेजा और कहा कि तुमने और तुम्हारे दरबारियों ने मेरा घर सपने में चुरा लिया है। अगेन व्हेन तेनाली सेंट एन ओल्ड मैन एंड टोल्ड द किंग डैट यू एंड योर कोर्टियर लूटेड माई हाउस इन हिज ड्रीम। जब तेनाली ने बूढ़े आदमी को राजा के दरबार में भेजा और कहा
उस बूढ़े आदमी ने राजा से कहा, आपने और आपके दरबारी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मेरे घर को चुरा लिया। तो इस बात से मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जो राजा ने सपना देखा था वो पूरा नहीं हो सकता। तो देन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी इंग्लिश रीडर की नोटबुक में नोट करेंगे और डायरी भी लिखेंगे, इससे आप लर्न करेंगे। जब स्कूल खुलेंगे मैं आपसे चैप्टर 11 सुनूंगी विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है? याद रहेगा आप सभी को चैप्टर 11 के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको लर्न करने हैं। मैं आप सभी से और आप सभी का ओरल टेस्ट लूँगी। ओके क्लास, थैंक यू।